अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ अरीबा और आप देख रहे हैं किचन विद अरीबा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये मैंगो जैम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होता है। मजीद ऐसी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो मैंगो लिए थे, उनके छिलके उतार के पल्प ले लिया उसका, और साथ में 1 कप भर के मैंने चीनी ले ली है। जैम की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं, और बस इन चीज़ों से हमारा मज़ेदार जैम बनकर तैयार होगा। यहाँ पे मैंने ब्लेंडर ले लिया, मैं पल्प को ब्लेंड करूँगी ताकि एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए। अगर आप चंक्स वाला जैम बनाना चाहें तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका फेवरेट जैम कौन सा है। ये आसान सी रेसिपी आप बनाएं और इसे स्टोर कर रखें। मैंगो ब्लेंड हो चुके हैं, अब हम इसे पैन में निकाल लेंगे। मैंगो पल्प शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें चीनी शामिल की है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। आपने इसे इतना पकाना कि इसका पानी खुश्क हो जाए। फ्लेम आपकी लो टू मीडियम हो, आपने इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। आप इसे कवर करके पकाएं ताकि इसकी छींटे ना उड़ें। मुझे इस जैम को बनाने में 40 से 45 मिनट लगे हैं, और देखें तकरीबन इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर दूंगी। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो आपने इसे चेक कर लेना है। मैं आपको इसे चेक करने का तरीका बताती हूँ। आपने थोड़ा सा जैम प्लेट में निकालना है। अगर उसके इर्द गिर्द पानी आ जाए तो समझे उसके पकने में भी टाइम है। मेरा जैम बनकर तैयार है, मैंने इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसे शीशे के एयर टाइट जार में निकालने लगी ताकि इसे स्टोर करके रख सकूँ। ले जी, तैयार है मज़ेदार स्वीट मैंगो जैम। आप इसे 3 माह के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आपने इसे फ्रिज में रखना ताकि ये ख़राब ना हो जाए। जैम बनाने के बाद आप इसे ब्रेड पे लगाकर ज़रूर इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।